हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। फ्रेंड्स, इस वीडियो में जो पढ़ने वाले हैं वो है हमारे पास डायगोनलाइजेशन ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो पहले सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है ये हम सब जानते हैं। सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है जहाँ पे ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए के इक्वल हो, यानी ए का ट्रांसपोज जो होगा वो ए के इक्वल ही होगा। रो को कॉलम में चेंज करता, कॉलम को रो में, तो कोई इफेक्ट ना पड़े। तो वो मैट्रिक्स जो होता है वो हमारे पास डायगोनल, सॉरी, सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है। और फॉर एग्जांपल, लेट सिमेट्रिक मैट्रिक्स आर इक्वेंट्स इन मैथमेटिक्स। फॉर एग्जांपल, लेट एफ बराबर एक्स वन एक्स टू एन बी आर फंक्शन हैविंग कंडीशन सेकंड ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल डेरिवेटिव, देन क्लूरेट थ्योरम्स फ्रॉम मल्टीवेरिएट कैलकुलस से दैट डेल एफ अपॉन डेल एक्स आई डेल एक्स जे इक्वल टू डेल एफ अपॉन डेल एक्स जे डेल एक्स आई। Therefore, the Hessian matrix of F is symmetric. Hessian matrix जो होता है वो basically ये matrix होता है। Hessian matrix del F upon del X1, del X1, del F upon del X1, del X2, और ये जो होता है Hessian matrix होता है। The second derivative test of multivariable calculus then say that if P बराबर a1 a2 dot dot an is the critical point of F, that is del F upon del X1 P डेल एफ अपॉन डेल एक्स टू पी इक्वल टू, अगर 0 हो इस तरह से क्रिटिकल पॉइंट हो, देन पी इज अ लोकल मिनिमम पॉइंट ऑफ एफ। इफ पी इज अ लोकल मिनिमम पॉइंट ऑफ एफ, इफ द मैट्रिक्स एच हर्मिशियन मैट्रिक्स एच एक्स हैज ऑल पॉजिटिव आइगन वैल्यू, अगर इसके सभी आइगन वैल्यू जो है पॉजिटिव है तो, और पी हैज अ लोकल मैक्सिमम पॉइंट ऑफ एफ। इफ द मैट्रिक्स जो हर्मिशियन मैट्रिक्स हैज ऑल नेगेटिव आइगन वैल्यूज, और थर्ड केस जो है, थर्ड रिजल्ट जो है, पी हैज अ सैडल पॉइंट ऑफ एफ इफ द मैट्रिक्स हर्मिशियन एफ हैज नेगेटिव एंड पॉजिटिव वैल्यू, तो पी कंडीशन, उस कंडीशन में पी जो है वो सैडल पॉइंट होता है। बेसिकली अगर यहाँ पे हम देखें तो ये हमारे पास ए बराबर ये है 0 1 -1 0 हैज कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल पी लैम्डा बराबर लैम्डा स्क्वायर प्लस वन, द रूट ऑफ विच क्लियरली, इसके रूट जो है वो माइनस, सॉरी, आयोटा और माइनस आयोटा। दस इन जनरल द मैट्रिक्स हुज एंट्रीज आर ऑल रियल नंबर्स मे हैव कॉम्प्लेक्स आइगन वैल्यूज। दस इन जनरल अगर कोई मैट्रिक्स जिसके एंट्रीज जो है वो रियल नंबर्स हैं और उसके जो आइगन वैल्यूज हैं वो कॉम्प्लेक्स भी हो सकते हैं। हाउएवर द सिमेट्रिक मैट्रिक्स वी हैव द फॉलोइंग। तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स में हमारे पास क्या होता है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स में होता है इफ ए इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स देन ऑल ऑफ इट्स आइगन वैल्यू आर रियल नंबर्स। अगर ये कोई सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो उस कंडीशन में उसकी सारी आइगन वैल्यू जो होती हैं वो रियल नंबर्स होती हैं। अब आइगन वेक्टर्स ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स, तो आइगन वेक्टर्स ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए देखते हैं। लेट ए बी ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड बी वन बी टू आर आइगन वेक्टर ऑफ ए। बी वन बी टू जो है वो आइगन वेक्टर है ए के, करस्पॉन्डिंग टू डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यू, देन बी वन और बी टू आर ऑर्थोगोनल। यानी हमारे पास ए जो है वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स है और उसके कोई दो आइगन वेक्टर है बी वन और बी टू, तो इस कंडीशन में बी वन और बी टू का इनर प्रोडक्ट जो होगा वो 0 के इक्वल होगा। इसको प्रूव करने के लिए रिकॉल दैट बी वन डॉट बी टू इक्वल जो होता है वो होता है बी वन का ट्रांसपोज डॉट बी टू। लेट लैम्डा वन नॉट इक्वल टू लैम्डा टू बी द आइगन वेक्टर आइगन वैल्यूज एसोसिएटेड टू बी वन एंड बी टू। तो यहाँ से लैम्डा वन बी वन ट्रांसपोज बी टू बराबर हो गया लैम्डा वन बी वन, क्योंकि लैम्डा वन तो कॉन्स्टेंट है तो लैम्डा वन बी वन ट्रांसपोज हो गया बी टू। अब ये लैम्डा वन बी वन क्या होता है बेसिकली, ए बी वन, क्योंकि ए बी वन माइनस लैम्डा बी वन इक्वल टू 0 होता है, ये हम सब कुछ पढ़ चुके हैं। तो ए बी वन ट्रांसपोज इक्वल टू ये, तो इसका ट्रांसपोज का अंदर मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया बी वन ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज बी टू। तो चूंकि सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो ए ट्रांसपोज जो होगा ए के इक्वल होगा, तो यहाँ से बी वन ट्रांसपोज ए बी टू। अब ए बी टू क्या है हमारे पास, लैम्डा टू बी टू। अब ये लैम्डा टू को तो बाहर ला सकते हैं तो ये हो गया लैम्डा टू बी वन ट्रांसपोज बी टू। दियर फोर यहाँ से हमारे पास आओगे लैम्डा वन बी वन ट्रांसपोज बी टू इक्वल टू लैम्डा टू बी वन ट्रांसपोज बी टू, विच इम्प्लाइज दैट लैम्डा वन, अब इसको ले जाएंगे तो लैम्डा वन माइनस लैम्डा टू बी वन ट्रांसपोज बी टू इक्वल टू 0, बट लैम्डा वन नॉट इक्वल टू लैम्डा टू, तो यहाँ से बी वन ट्रांसपोज बी टू, यानी कि बी वन और वी टू का इनर प्रोडक्ट जो है वो 0 के इक्वल है। तो यहाँ से बी वन और वी टू जो है हो गए हमारे पास ऑर्थोगोनल हो गए।
अब नेक्स्ट रिजल्ट है हमारे पास, नेक्स्ट जो है वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स आर डायगोनलाइजेबल। तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स जो होते हैं वो डायगोनलाइजेबल होते हैं। इस थ्योरम को देख सकते हैं, इफ ए इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स देन ए इज डायगोनलाइजेबल, इन फैक्ट देयर इज अ ऑर्थो नॉर्मल बेसिस और ऑफ आर एन ऑफ आइगन वेक्टर्स वी वन वी टू डॉट डॉट वी एन ऑफ ए। इन अदर वर्ड्स द मैट्रिक्स पी बराबर जो होता है इज ऑर्थो नॉर्म ऑर्थोगोनल पी ट्रांसपोज पी इक्वल टू वन एंड ए बराबर पी डी पी ट्रांसपोज होता है। तो इसको एक एग्जाम्पल की हेल्प से और क्लियर कर लेते हैं। फाइंड द ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स पी दैट डायगोनलाइज द सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो ए बराबर ये है हमारे पास। तो पहले इसकी जैसे पहले के क्वेश्चन में कहते हैं हमने इसकी करेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल निकालने होंगे और उसके बाद आइगन वैल्यू निकालने होंगे। तो आइगन वैल्यू जो आई इसको जीरो के इक्वल पुट करने पे लैम्डा इक्वल टू जीरो वन एंड थ्री। अब यहीं से हम देख सकते हैं, बेसिकली आगे जाने की जरूरत भी नहीं है हमें, यहाँ से देख सकते हैं कि ये हमारे पास जो आइगन वैल्यू है तीनों डिफरेंस है, तीनों डिफरेंट है। तो तीनों डिफरेंट होने के केस में वो हमेशा पी जो होता है सॉरी ए जो होता है वो डायगोनलाइजेबल होता है। आइगन वेक्टर ऑफ ए एसोसिएटेड टू लैम्डा वन अब लैम्डा टू लैम्डा थ्री, यानी अब आइगन वेक्टर्स अगर निकालने हैं तो जैसे यहाँ पे जीरो के करस्पोंडिंग निकालने हैं तो ए माइनस जीरो लैम्डा बेसिकली आई एक्स इक्वल टू जीरो। तो इसके करस्पोंडिंग हम निकालते हैं तो ये आ जाएगा हमारे पास यू वन, इस तरह से यू टू यू थ्री आ जाएगा। अब यहाँ पे हम चेक कर सकते हैं कि यू वन ट्रांसपोज यू टू बराबर क्या है, यू वन ट्रांसपोज यू थ्री बराबर क्या है और यू टू ट्रांसपोज यू यू थ्री क्या है। तो ये आ गया हमारे पास। टू फाइंड द ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स पी दैट डायगोनल ए वी मस्ट हैव नॉर्मलाइज द आइगन वेक्टर्स यू वन यू टू यू थ्री। तो पी को निकालने के लिए हमें यू वन यू टू यू थ्री को ऑर्थोनॉर्मल में चेंज करना पड़ेगा। तो ऑर्थोनॉर्मल बेसिस क्या होंगे, बेसिकली इसमें हमें जैसे कोई वेक्टर है यू वन की बात कर रहे हैं तो ये वन माइनस वन वन। तो इसके लिए हमारे पास बेसिकली पहले नॉर्म ऑफ यू निकालना होगा। तो नॉर्मल नॉर्म ऑफ यू क्या होगा, इसका स्क्वायर वन का स्क्वायर माइनस वन का स्क्वायर भी वन 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 ही आएगा और ये भी वन आएगा। तो ये आ गया हमारे पास रूट ऑफ थ्री। तो सारी टर्म को रूट ऑफ थ्री से डिवाइड कर देंगे तो ये आ जाएगा। तो वी वन आ गया, इसी तरह से वी टू निकाल सकते हैं, वी थ्री निकाल सकते हैं। तो ये वी वन वी टू वी थ्री ये हो गया। तो यहाँ से इजीली वेरीफाई भी कर सकते हो आप कि पी ट्रांसपोज पी बराबर जो है वो आई के इक्वल आएगा और एंड ए बराबर पी और ये मैट्रिक्स पी और ट्रांसपोज पी टी। तो ये आ जाएगा बेसिकली, ये हमारे पास आइगन वैल्यूज का मैट्रिक्स है जीरो वन और थ्री। तो इस तरह से ये वेरीफाई हो जाएगा। नेक्स्ट एग्जांपल जो आप सॉल्व कर सकते हो, लेट ए एंड बी बी एन क्रॉस एम मैट्रिक्स देन सो दैट ए इज सिमेट्रिक्स देन द मैट्रिक्स सी बराबर बी ए बी ट्रांसपोज इज ऑल्सो सिमेट्रिक्स। तो ये भी हम इजीली चेक कर सकते हैं। फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो हम जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे हम द पेज रैंक एल्गोरिथम।